अनादिकाल से अब तक अनंत जन्म बीत चुके, अनंत बार मानव देह मिला, जिसमें हम परमानंद प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हम अपने को और बांधते गए। कर्म बंधन में, पाप पुण्य में, अर्थात पतन होता चला जा रहा है, उत्थान नहीं हो रहा है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, वेद कहता है ऐ मानव देहधारी जीव, ऊपर को उठना ये तुम्हारे मानव देह का एम है, नीचे जाना ये तो पशु पक्षियों का कार्य है। लेकिन इस मन ने हमको ऊपर जाने से रोका। यानी हमारे सर्वनाश का कारण मन है, और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला भी केवल मन है। केवल मन, न आत्मा न शरीरेन्द्रिय। एक एक शब्द पर ध्यान दो। ये शरीर और इंद्रियां 10, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनका किया हुआ कर्म नोट नहीं होता भगवान के यहां। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, नोट नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन भगवान में था। मन का कर्म नोट होता है, तन का नहीं, इंद्रियों का नहीं। हनुमान जी ने हजारों लाखों ब्रह्म हत्या की, रावण ब्राह्मण था, लंका जला दिया, लेकिन उनका मन राम में था, तो इंद्रियों का वर्क भगवान के एरिया में नोट नहीं होता। हमारे संसार में भी अगर कोई गाड़ी चला रहा है, उसका सब हिसाब किताब ठीक है, ड्राइवर के पास लाइसेंस है, साइड से चल रहा था, स्पीड भी ठीक थी, एक आदमी सामने आके मर गया, तो फांसी नहीं होगी। अगर मंशा है किसी की, किसी के मर्डर की, तब फांसी होती है। लेकिन संसार में तो कोई सर्वज्ञ है नहीं, गवाही वगैरह के हिसाब से भी फांसी हो जाया करती है। लेकिन भगवान तो सबके हृदय में बैठ कर नोट करते हैं, स्वयं फल देते हैं स्वयं, इसलिए वहां कोई गड़बड़ी का चांस नहीं। तो मन ही
बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बात संपूर्ण विश्व में इन्हें गिने लोग जानते हैं। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, इन्हें गिने करोड़ों लोग जानते हैं। नहीं, जानने का मतलब होता है मानना। केवल जानना, हम जान रहे हैं हमारे खाने में पॉइजन मिला है और हम मरना नहीं चाहते और फिर भी खा रहे हैं, तो ये जानना किस काम का? अगर हम मान लें पॉइजन है, मैं मर जाऊंगा इसलिए नहीं खाऊंगा, अब जानना काम देगा? तो वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। एव माने ही, भी नहीं यानी बनाने और बिगाड़ने वाला, प्रत्येक कर्म का करने वाला केवल मन है। जिसे इन्हें गिने लोग जानते हैं। देखो हमारे देश में बहुत भक्ति का स्वरूप दिखाई पड़ता है। ध्यान दो, विदेश के लोग कहते हैं कि आपके इंडिया में तो घर घर में राम नाम सत्य है, मरने के बाद भी बोला जाता है, जगह जगह कीर्तन भजन जप पाठ पूजा, घर घर में मंदिर, फिर भी इतना करप्शन, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार क्यों? ये हम लोगों से प्रश्न करते, इसका जवाब क्या? अगर हम कहें नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो, गलत कैसे? तुम्हारी गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है वो वास्तविकता से बहुत कम है, लेकिन फिर भी कितना अधिक है? चोरी एक दिन में कितनी होती है, डकैती कितनी होती है? चार सौ बीस कितने होते हैं, क्यों होते हैं? बस एक वाक्य जवाब में है कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति साधना भगवान संबंधी मन को करना है। ध्यान दो, सब इंद्रियों की भक्ति करते हैं, मंदिर में पूजा हो रही है, हाथ से चंदन लग रहा है, अक्षत चढ़ रहा है, फूल चढ़ रहा है, फिजिकल ड्रिल हो रही है, पाठ हो रहा है, रामायण गीता भागवत गुरु ग्रंथ साहब कुरान बाइबल
किताब पढ़ा जा रहा है। मंगल भवन मंगल हारी जनऊ सदस्य राजन बिहारी मंगल भवन मंगल। जल्दी जल्दी मन कहा है? मन से मतलब नहीं, रसना से। चारों धाम की मार्चिंग हो रही है, कहां गए थे? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ। साल हो आए जी, अब तो वैकुंठ हृदय है हमारा। मन कहाँ था सच बताओ? कि मन तो साहब जब मैं बद्रीनाथ के मंदिर में खड़ा था तो मन में विचार आया कि 10 दिन हो गए हैं और मुनीम गड़बड़ करता होगा, हो सकता है अब लौटना चाहिए, चलना चाहिए। बेटा बीमार था, पता नहीं और सीरियस हो गया हो, चलना चाहिए। यानी मंदिर में खड़े होके संसार था मन में। हाँ जी, सच बात तो यही है। जप हो रहा है, 1000 मणियों की माला बाबा जी के पास और गाली भी दे रहे हैं, हाथ चल रहा है, हाथ नहीं बंद है। ये सब होता है हमारे देश में। जिस मंदिर में बढ़िया झांकी हो, 1-2 लाख रुपया खर्च करके जन्माष्टमी को, वहां ज्यादा भीड़ होगी। और जो बेचारा गरीब हो, अपनी मूर्ति में कपड़ा भी न बदल सके ठाकुर जी का, वहां कोई नहीं जाएगा। और जहां गुलाब जामुन भी बट रहा हो वहां और भीड़ होगी। उपासना से यानी मन भगवान की ओर जाए, इसका किसी को फिक्र नहीं है। एक क्वेश्चन करो इन लोगों से, तुमने भगवान के दर्शन की कामना से कितने बार आंसू बहाए? एक क्वेश्चन। आंसू? आंसू क्यों बहावे? वो तो अंदर बैठा है। ये ब्रह्म ज्ञान का लेक्चर दे दिया, वो तो अंदर बैठा है। अरे बैठा तो है, उससे तुम्हारा कुछ लाभ हो रहा है? वो तो सर्वव्यापक भी है। प्रभु व्यापक को सर्वत्र समाना। रोटी खाते हो? हाँ। दाल खाते हो? हाँ। उसमें भी व्याप्त है, पर कोई फायदा हो रहा है तुमको भगवान का? अंदर बैठा है, कोई फायदा हो रहा है? कोई फीलिंग है? कुछ नहीं है। यही तो भगवान का चमत्कार है। पानी में नमक मिलाओ और पियो, कैसा लगा? नमकीन। चीनी मिलाओ पियो, कैसा लगा? मीठा। और उसी पानी में भगवान भी व्याप्त है, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। उसी हृदय में आपके भगवान रहता है,
जिसमें आप रहते हैं, जीव, कोई फायदा नहीं। तो मन का अटैचमेंट ही भक्ति है, उपासना है। वो नहीं जानते लोग, क्योंकि नहीं करते, क्योंकि नहीं करते। जानते हैं और नहीं करते। अरे क्यों, दो दो घंटे लोग साधना करने बहुत से बैठते हैं, दो दो घंटे डेली, लेकिन मन से कोई मतलब नहीं। इतना पाठ करना है, रामायण का है, हनुमान चालीसा है, ये शिव चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, किताबों का पाठ, मंत्रों का जाप, तो एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ये आइडियाज जहां से पैदा होते हैं, आपके विचार, उस मशीन का नाम क्या है? उसका नाम है मन, अंतःकरण। सबसे पहला काम क्या होता है? मन से आप सोचते हैं, फिर इंद्रियों को मन ऑर्डर देता है, खड़े हो जाओ, उधर चलो, बैठ जाओ, ये सब मन करवा रहा है। दिन रात आप मन से काम करवाते हैं इंद्रियों के द्वारा। लेकिन भगवान की उपासना के बारे में आपका मन इंद्रियों से नहीं कहता। भगवान का रूप ध्यान करो, ये पत्थर का ध्यान न करो, पत्थर में रहने वाले भगवान का ध्यान करो। देखो, अगर कोई व्यक्ति एक शीशी में यूरिन भर दे, पेशाब भर दे और पैक कर दे और उस शीशी को गंगा जी में डुबो दे 24 घंटे और फिर निकाले और पैकिंग खोल दे, तो कोई पंडित जी आचमन करेंगे? है क्या बकबक करते हो, वो तो यूरिन है, उसका आचमन नहीं करेंगे। और अगर उस यूरिन को गंगा जी में डाल दें और 24 घंटे बाद गंगा जल का आचमन करने को कहे, करोगे? जरूर करेंगे। तो यूरिन गंगा जी में एक हो गया, तब आपने आचमन किया। हाँ, अब पहले नहीं किया, क्योंकि शीशे का आवरण बीच में था। हाँ, ऐसे ही आपके मन में पाप पुण्य गंदगी बुरे विचार हैं, उसको डुबो भगवान में, गंगा जी में, तो उसका मन धुलेगा। उसको तो आपने माँ बाप बेटा स्त्री पति धन में रिजर्व रखा है, और रसना से, हाथ से, पैर से, इंद्रियों से भक्ति करते हैं, तो मन शुद्ध कैसे होगा?
गंगा जी में खड़े होके हम लोग नहाते हैं, देखते रहते हैं, वो नहा रहा है, वो नहा रही है, वो नाव जा रही है, वो गंगा जी कौन है ये सोचा? हम जानते ही नहीं, हम तो पानी में नहा रहे हैं। तुम मन तो तुम्हारा गंगा जी से बाहर है, शरीर का मैल धुल जाएगा, मान लिया, मन का मैल नहीं धुलेगा। वो तो दिव्य गंगा का रूप ध्यान करो, मन उन गंगा में मिले तब शुद्ध हो। शंकर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं दर्शन करने। क्या दर्शन कर रहे हो? पत्थर की मूर्ति। अरे पत्थर की मूर्ति तो तुम्हारे बगल के मंदिर में भी है, वहां के भगवान कोई बड़े हैं क्या? क्या भगवान में सही बटा होता है? 1/4 भगवान, 1/8 भगवान। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान के सही बटा नहीं हुआ करते। सर्वत्र एक सा व्याप्त है, हिरण्यकश्यपु राक्षस के घर के खंभे में भी है। नृसिंह भगवान ने प्रकट होके सिद्ध कर दिया था। तो मन ने हमको बिगाड़ा, हमारे अनंत जन्म, और यही मन ही बनाएगा अगर हम उसको हरि गुरु के चिंतन से शुद्ध करें। चिंतन मनन स्मरण से, इंद्रियों की भक्ति से नहीं। जब वो शुद्ध होगा तब वो स्वरूप शक्ति से दिव्य बनेगा, तब भगवत प्राप्ति होगी, माया निवृत्ति होगी और तुम्हारा लक्ष्य हल होगा। ये आशय है इस दोहे का।